हेलो शुजा, क्या हुआ आयशा? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? अम्मी अबू ठीक है? शुजा, ये लोग मेरी शादी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरी शादी कर रहे हैं। मतलब क्यों, अचानक कैसे तुम्हारी शादी, ये क्यों? शुजा, तैमूर की सालगिरह थी और उसने मुझे खाने पर बुलाया था। मैं अम्मी से इजाजत लेकर गई थी, वहां मुझे नगीना भाभी ने देख लिया। भाभी ने घर आकर इतना तूफान उठाया, भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काया। अब ये सब लोग मेरी शादी करने में तुले हुए हैं। बहुत गलत बात है ये नगीना भाभी ना। वैसे मैं क्या कहूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अब्बा जी से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है, अब्बा जी भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। और अम्मा? अम्मी बेचारी तो खुद रो रही है, लेकिन हमारी सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। यार हद है वैसे, नगीना भाभी जैसी फितना औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी यार। मतलब उन्हें कोई शर्म ही नहीं है। शुजा, मुझे गिला भाभी से नहीं है, मुझे अपने सगे भाइयों से है, अब्बा से है। कम से कम उन्हें तो मेरे साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। क्या तुम उस जगह पे शादी नहीं करना चाहती? शुजा, बात जगह की नहीं है, बात वक्त की है। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, सारी रात जाकर मैंने पढ़ा है डॉक्टर बनने के लिए। कितना शौक है मुझे डॉक्टर बनने का। अब मैं बीच में तो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती ना, और अब ये लोग बीच से उठाकर मेरी शादी करना चाहते हैं, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? देखो, मैं तैमूर को अच्छी तरह जानता हूं, मैं पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। मुझे यकीन है कि शादी के बाद वो तुम्हें पढ़ाई से रोकेगा नहीं। शुजा, तुम नहीं समझ रहे, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा शादी के बाद पढ़ना। अच्छा, तुम ये रोना तो बंद करो यार, मैं अब्बा जी से बात करता हूँ, ठीक है? कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल वो लोग मेरी तारीख रखने के लिए मेरे ससुराल जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कसमे अल्लाह दी, वी आर सो हैप्पी कि आपने शादी जल्दी करने का इरादा कर लिया है। एक्चुअली आपका मसला तो ये था ना कि आप चाहते थे कि शी शुड कंप्लीट हर एजुकेशन, अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। हाँ जी। बट हमें हैरत जरूर है, यूं अचानक इरादा कैसे बन गया आप लोगों का? आपको भी नहीं पता था? हाँ, वैसे पता तो हमें भी नहीं था। नहीं, वो दरअसल ना इसके अब्बा जी जो है ना, वो चाहते थे कि पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। वैसे भी मंगनी शंगनी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए बहन जी, सच्ची बात ये है, मैं जब भी इस बात के बारे में सोचता था, मुझे सिर्फ यही समझ में आती थी कि जब एक दफ़ा रिश्ता तय हो गया है तो शादी जल्दी कर देनी चाहिए, लंबी मंगनी में फिर बातें बहुत सी पैदा हो जाती है। हाँ जी, हाँ, अब इंसान या मंगनी बचा ले या इज्जत बचा ले। What do you mean? क्या मतलब? दरअसल ना बात यह है कि बहुत सारे लोग खानदान में आयशा का रिश्ता लेने चले, तो हम नहीं चाह रहे थे कि वहाँ हो, इसलिए हमने कहा कि जल्दी जल्दी आपसे बात पक्की कर लें ताकि ये बात ही खत्म हो जाए। गुड। भाई आशा तो अब हमारी बेटी है। जी, माशाल्लाह से। क्या तारीख रखी है, व्हाट डेट? वो तारीख रखने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। यस सर, टेल मी, बोले, बताएं। दरअसल बात ये है कि मेरी जो बच्ची है ना आयशा, उसका बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने, तो आप ना उसकी तालीम जो है वो जारी रखने की इजाज़त दे दीजिएगा। बेटे से भी कहिएगा कि वो। हाँ जी, फिक्र की कोई बात नहीं, बस आप ये समझें कि आपकी बेटी बस उस घर से निकल के इस घर में आ गई। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हर एजुकेशन,
कोई पाबंदी नहीं। पर ये देखे ना, ये तब हमारी इज्जत का सवाल है ना कि हमारी बहू डॉक्टर बने। We will make her doctor. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी बहन जी। क्या गैरों वाली बातें कर रहे हैं? भी अब आयशा हमारी बेटी है। शादी से पहले ना वैसे सभी यही कहते हैं। तो फिर माशाल्लाह कब रखें शादी की तारीख? कसमे अल्लाह दी, ये तैमूर इज गोइंग टू यूएसए ना, अमेरिका जा रहा है, तो 3 महीने बाद वापस आ जाएगा, तो तारीख तय कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है बहन जी, तैमूर पुत्र अमेरिका से वापस आ जाए तो किसी भी जुमे को इनकी शादी रख देते हैं। ओ गुड जी, वेरी गुड, बहुत ही गुड हो गया। समझे कि तारीख पक्की ही हो गई ना। जी जी, मुबारक हो आपको, मिठाई मंगाती हूँ। मुबारक मुबारक बेटा, बेटा जल्दी मिठाई लेके आ बेटा, रिश्ता तय हो गया, तारीख तय हो गई है मेरे पुत्र की। क्या मतलब, अब शादी के पैसे भी तुम ही दोगे? क्यों? तुम बात को समझ नहीं रही, और किसी के पास है नहीं पैसे। कमाल है, पैसे सारी जिंदगी तुम ही ने उसका खर्चा उठाया, उसकी फीसें दी हैं, उसको कपड़े वगैरह सारा खर्चा, और अब शादी में तुम ही करवाओगे? देखो नहीं ना, तुम बात को समझ नहीं रही, अब्बा जी बहुत सख्त परेशान है। अब्बास की तनख्वाह जो है वो उसकी शादी में जो कर्ज लिया था उस पर चले जाती है, और किसी के पास पैसे है नहीं। तुम्हारे अब्बा जी के पास ना हर परेशानी का इलाज बस यही है कि किसी ना किसी तरह तुम्हारे से वो पैसे निकलवा सके। वैसे तुम्हें ना उन्होंने कुर्बानी का बकरा समझा था, जब भी छुरी गिरेगी ना तुम्हारी गर्दन पे गिरेगी। और मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उधर घर के लेंटर पड़ रहे हैं और ये ऐशा की शादी का खर्चा, समझ नहीं आ रही इस मुसीबतों से कैसे निकलूं। तुम्हें तो सिर्फ भाई नहीं हो ना ऐसा, तो बाकियों का भी तो कोई फर्ज बनता है। और बाकी सबके हालात हमारे सामने है। शुजा, शुजा को तो हम भूल ही गए। हैं? क्या? ये एक्टर है, अच्छा खासा कमाता होगा। यानी शुजा से कहूं? हाँ हाँ बिल्कुल कहो, वो भी तो भाई है ना उसका, उसका भी इतना ही फर्ज है जितना तुम्हारा, बल्कि तुम्हारे से ज्यादा। देखो तुमने अपने हिस्से का कर दिया। कहती तो तुम ठीक हो, सुजा भी तो पराई है ना, उसका भी उतना ही फर्ज बनता है जितना मेरा। और वैसे भी वो एक्टर है और सुना एक्टर बड़ा कमाता है। कमाइयां तो वैसे ठेकेदारों की भी बहुत होती है, अगर वो कोशिश करें तो। तुम यहां क्या कर रही हो? खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम तक लिया तो क्या समझती हो? अंधा हूं, देख नहीं सकता? किस तरह कल रात को तुम पार्टी में वाहियात हरकतें कर रही थी, अगर मैं चाहता ना तो सबके सामने तुम्हें जलील कर दूं, तुम्हें रुसवा कर दूं। लेकिन नहीं, अरे इतना भी कमजोर नहीं हूं, अरे मोहब्बत करता हूं तुमसे, तुम्हारी खातिर अपने मां बाप तक छोड़ दिया यार, बहन भाई घर बार सब कुछ छोड़ दिया। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया मेरे साथ, ये जला दिया मेरी मोहब्बत, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, तुम आज के बाद मेरी जिंदगी से दफा हो जाए, दफा हो जाए तुम। क्या जबरदस्त एक्टिंग है, वाह मजा आ गया, मैंने आज तक किसी नए लड़के में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी, आज तक मैंने ऐसी नहीं देखी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, क्या बात है, छा गए हो तुम, बस जरा स्क्रिप्ट कंप्लीट होने दो तो मेरी आइंदा सीरियल के तुम ही हीरो होगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरा नहीं, थैंक यू शैला बीबी का।
है क्या? इनका शुक्रिया अदा करें। बैठे बैठे। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपको कहा था एक अच्छा एक्टर है और ये डिजर्व करता है। Why not? यार मुझे ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? जी मैं तो लाहौर से हूँ जी। लाहौर की गलियाँ, लाहौर की सड़कें, लाहौर के लोग, जिंदा दिलाने शहर लाहौर से हूँ सर। ओ तभी मैं कहूँ कुछ ना कुछ कमी है, तुम्हारी उर्दू थोड़ी कमजोर है, उर्दू को इम्प्रूव करो। ओके सर, लेकिन ये उर्दू सर कैसे इम्प्रूव होगी? नावल पढ़ो, अखबार पढ़ो, मुतालिया करो, बड़ी अच्छी बुक्स हैं। थैंक यू थैंक यू। तो सर अगर कराची में शूट करो। सवाल सवाल पर सवाल था उसका और मेरे पास हर सवाल का जवाब। उसने कहा कि मोहब्बत करते हो? मैंने कहा नहीं। उसने फिर से कहा मोहब्बत हो? मैंने भी कह दिया कि नहीं। उसने पूछा कि क्या छोड़ दोगे? मैंने भी कह दिया नहीं, नहीं छोड़। उसने पूछा कि क्यों? बस इस क्यों का जवाब नहीं था मेरे पास। मेरे दिल की धड़कनें कभी मध्यम होती तो कभी तेज। उस क्यों के जवाब को ढूंढ रहा था मैं और वो मुंतजर बैठी थी मेरे जवाब के लिए। और अचानक से मेरे दिल ने कह दिया कि हां मोहब्बत करता हूं मैं। अभी इकरार बाकी है, अभी अभी इकरार बाकी है। वाह वाह वाह, लाजवाब। आइए बैठिए बैठिए बैठ बैठ। थैंक यू। क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या टैलेंट ढूंढ रहे आप? मैंने ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा। व्हाट अ परफॉर्मेंस। शैला आपने मेरे प्रोजेक्ट को चार चांद लगा दिया। मैं जैसे हीरो की तलाश कर रहा था ये वही तो है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ के रहने वाले हो? यही डिफेंस में। डिफेंस। ओ नाइस, लड़के में दम तो है। ज़हीर भाई जल्दी कर दो यार, ऑडिशन के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ यार, जल्दी कर दो। और मिला भी ले हूँ ना। ओ बेबे मेरी सोनी दिलदार। बोलो गुलजार, चेहरे पे है गुस्सा मगर दिल में है प्यार। मैं आपको ही कॉल करने वाला था दुआ करने के लिए। भाई ये अम्मा नहीं अब्बा बोल रहा है। हेलो 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 अब्बा, आवाज नहीं आ रही। आपकी तो सही आ रही आवाज। हेलो 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 हेलो। अबे ज़हीर जल्दी कर यार। कमाल है, अभी मैंने पैसों की बात नहीं की, से आवाज जानी बंद हो गई है और फिर से मिला कह रहा आवाज नहीं आ रही। तो नहीं आवाज आ रही तो बाद में बात कर लेंगे। तो तू रहन दे मिला। चल यार तू नहा ले, मैं तेरे कपड़े इस्त्री करता हूँ। थैंक यू यार वाकई। हाँ यार रात को 2 बजे उठ के मैंने तेरे लिए नफल पढ़े हैं। इंसान नहीं तू फरिश्ता है फरिश्ता। चल तैयार हो जा जल्दी कर। अब्बा की कॉल आ रही है, उठाना मत, अब्बा की कॉल आ रही है। अबे यार तेरा अब्बा है कोई गब्बर सिंह तो नहीं है? और तू नहीं जानता, और मेरा अब्बा 10 गब्बर सिंह सुबह नाश्ते में निचोड़ के खा लेता है। गब्बर सिंह से ही बड़ा ही है। कमाल है यार। हेलो हेलो ओ शुजा, सुनता पिया ओ शुजा। अब उठा नहीं रहा। चल छोड़ ना फिर कर लेंगे बात, और वैसे भी बेचारा जो कुछ कमा रहा है वो हमें तो नहीं भेज सकता ना, खुद ना खाए।
मैं आप सारा दिन यहाँ बैठा फोन ही मिलाता रहूं, काम पे ना जाऊं? तो जा तू, बाद में मैं खुद ही बात कर लूंगी। देखो फातिमा, जब सारे हिस्सा डाल रहे होंगे तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ताना दे कि तुम्हारे शुजा का हिस्सा तो आया ही नहीं है बहन की शादी में, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। अला पकड़। चल कर लेंगे ना बाद में बात, तू जा काम पे। चल तू उसको मैसेज कर, चल। अब्बा चले गए हैं, अम्मा को फोन करो। कमल कौन है यार? कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है। पता है हम लेट गए तो? हाँ सॉरी यार, वो घर से कॉल्स आ रही थी। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट। अब्बा चले गए हैं, कॉल कर लो, अम्मा ने जरूरी बात की। नहीं शिट यार, सॉरी। दे चुक ले फोन। अम्मा शुजा को फोन। हाँ अच्छा। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो हेलो। लाउडस्पीकर ऑन करो फिर आवाज आएगी। हाँ हाँ, क्या हो गया इसको यार, एक तो स्ट्रगलर का मोबाइल भी ना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है माँ? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेटा वो ना नवंबर के पहले जुम्मे की तारीख खैर से तय हो गई है। एक्सक्यूज मी यार। करो बात। अब्बा जी से कहें कि एक दफा सोच लें वो। सोचना क्या बेटा, बस सोच लिया हमने, कर ली है तारीख तय। बेटा तू वहाँ बैठा है ना, तुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हालात है, बस मजबूरी में शादी तय कर दी है। इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे अब्बा जी? यही तो परेशानी है बेटा, इसलिए तुझे फोन कर रहे थे तेरे अब्बा जी। अम्मा आप तो जानती हैं मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब अब्बा जी से कहें कि एक बार फिर से सोच लें। हाय मुझे सारा पता है, मैं सब जानती हूँ, पर तेरे अब्बा जी कहते हैं कि तू भी हिस्सा डाल जितना भी हो सके, वरना फिर तुझे पता है ना तेरे भाई फिर ताने देंगे उनको, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझे बताएं कि कितने पैसे भेजने हैं? तेरे अब्बा जी के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, देख पुत्र अगर कुछ हो सके तो। भाई कुछ नहीं कर रहे क्या? बेटा सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, तुझे पता है घर बार वाले हैं, जितना जितना हो सकेगा करेंगे तो सही। तू भी जितना हो करते बेटा, तुझे पता है ना फिर भाइयों की बीवी हैं वो ताने मारती हैं, फिर तेरे बच्चे को बड़े गुस्से चढ़ते हैं। चले अम्मा फिर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है ठीक है मेरा पुत्र, जीता रहे सलामत रहे, ना ख्याल रखिए, अच्छा खाना टाइम पे खाया कर है। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले सारी टेंशन को जहन से निकाल के चलो, मेरे पास 50 है। नहीं 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 शैला, ये क्या कर रही हो तुम? रखो ना। नहीं शैला मैं ये नहीं ले सकता। अरे उधार समझ के रख लो, जब तुम्हें मिलेंगे वापस कर देना। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं इसे यार ले ले, इस जमाने में अफसोस करने वाले तो बहुत हैं, मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। फिर रख ले, जब हमारे पास आएंगे तब दे देंगे। पकड़ ले पकड़ ले, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ले ले कोई बात नहीं। सही कह रहे। थैंक यू सो मच यार। अब चले जल्दी करो। हाँ थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अजीब आदमी है यार, लोग इस जमाने में ऐसे दोस्तों को तरसते हैं, और ये है इसे मिला एहसास ही नहीं। मैं तो सारी जिंदगी ऐसा दोस्त ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला। हाय मैं शुजा से ना ही कहती तो अच्छा था, पर तेरे अब्बा जी ने जिद लगाई हुई है, क्या करूँ मैं? अम्मा शुजा से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। तुझे पता है ना भाइयों का फिर पीछे पड़ जाएंगे, उसकी बीवी भी इनकी चुड़ैलों की तरह। अभी तो उसे कोई काम भी नहीं मिला, वो कहाँ से भेजेगा इतने सारे पैसे? पता है मुझे, क्या करें। अच्छे चले आप परेशान।
घर वाले ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ वो तो ठीक है। और अब्बास ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं वो तो ठीक नहीं है। क्यों तंग करता है? क्या कहता है? हर वक्त गुस्से में रहते, लड़े माँ बहन साथ और गुस्सा करे मेरे से। माँ बहन से क्यों लड़ा है? वो आयशा पकड़ा गया ना लड़के साथ, इसीलिए गुस्सा है। क्या कसम खा शाइस्ता, वाकई आयशा पकड़ेगी किसी के साथ? अल्लाह कसम, बड़ा गुस्सा करते हैं अब्बास। ओ नहीं, मेरा मतलब है कि वाकई आयशा किसी लड़के के साथ पकड़ेगी। हाँ इसीलिए तो मामू उसका फटाफट शादी कर रहा। कसम का, अल्लाह कसम। आय हाय गजब खुदा का, देखे ना बेटी खराब निकल आई है। वो मेरे भाई के माथे पे तो कालक लग गई। इस लड़के के साथ ये पकड़ी गई है ना मुराद? वो उसका मंगेतर है ना, उसके साथ। अच्छा फिर भाइयों ने क्या किया, मारा पीटा उसे? नहीं मारा पीटा तो नहीं। अच्छा तो फिर शादी कब कर रहे हैं? नवंबर के पहले जुमे को। लो बताओ तारीख भी तय कर दिए? हाँ कल गया था ना उसके ससुराल, तो तारीख रख आया। और मुझे बताया ही नहीं है, है ना को मशवरा ना को सवाल कि भी मैं नवंबर में आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती। पूरी सफेद हो गया मेरे भरा का। तो क्या तुम शादी पे नहीं आएगा? नहीं आऊंगी तो मैं जरूर, मैं जरा पार्टी से तो पूछ लूँ ना कि बेटी के करतूत छुपाते छुपाते ये उन्होंने क्या किया है और बहन को ही भूल गए हैं। हाँ पूछ ले। चल ठीक है तू बाद कर, मैं करती हूँ फोन। अपना ख्याल रखी ठीक है। खुदा हाफिज। हाय मेरा नसीब। खलो के मुंह ना देख, खर्चा चला जब दूध लग गया ना तो मैं तेरे कद पकड़ा दूंगा। हेलो हाँ यास्मीन। क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? कराची ब्याह दिया मुझे। तो अब क्या हो गया? कल इकलौती बहन हूँ आपकी, कभी मुझे पूछा नहीं, कोई हाल नहीं, अवाल नहीं, ओ काले पानी ब्याह देता मुझे। ओ कुछ बताएगी भी सही, क्या हो गया? पाजी आयशा की शादी की तारीख रखते हुए आपने मुझसे पूछा था कि नहीं, और ये नहीं सोचा कि भी मैं इतनी दूर से आ भी सकती हूँ कि नहीं आ सकती हूँ। ओ बहन मेरी ये बस जल्दी में तय की है आयशा की शादी, बस जल्दी की वजह से तुझे नहीं बताया, वरना आज तक कोई काम तुझसे पूछे बगैर किया है हमने। ऐसी भी क्या जल्दी थी पाजी, उन लोगों का इसरार था बड़ा, फिर हमने सोचा कि बाद में भी तो करनी है ना, तो अभी सही ना। अब आप मुझसे झूठ भी बोलेंगे? बेटी के काले कपड़ों को छुपाने के लिए जल्दी शादी कर रहे हैं ना? ये क्या कह रही है तू यास्मीन? ठीक कह रही हूँ पाजी, मुझे सब बता दिया है शाइस्ता ने जो कुछ भी हुआ है। और हाँ जरा अब्बास को भी समझा दे कि अपने घर वालों का गुस्सा ना मेरी बेटी पे ना निकाला करे। और हर लड़की ना उसकी बहन की तरह नहीं होती, मेरी शाइस्ता तो इतनी नेक है, शरीफ है, सीधी सादी सी है, उसको तो इतनी चलाकी वाली बातों का नहीं पता। हेलो हेलो पाजी। हाँ हुण तो आवाज ही नहीं आनी आपको मेरी, आप क्यों बोलेंगे, आप बात ही नहीं करेंगे? हेलो पाजी आप सुन रहे हैं ना मेरी बातें सारी? खाला ने भी ना हर जगह फिरोजा का मेरे साथ मुकाबला लगाया, पता नहीं उन्हें क्यों इतनी पसंद। शादी भी एक साथ करवाई, हनीमून पे भी एक साथ जाने का कहा, यहाँ तक के बच्चों के हकीके भी। तो फैल भाई आपको हनीमून पे कैसे लेके गया था? कहाँ लेके गया वो, हनीमून भी मेरा फिरोजा की नजर हो गया। मैंने भी अब्बास को कहा था कि हमको हनीमून पे जाना है। तो फिर? पर वो कहती है ये फजूल बातें, हनीमून पे जाना, बेवकूफों की तरह घूमना। मेरा तो चलो
मुकाबला था फिरोजा के साथ, लेकिन तुम्हारा तो कोई मुकाबला नहीं है, फिर क्यों? मुझे एक बात बताओ, उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? अरे, हर वक्त नाराज ही रहती है। क्यों? ओ माड़ा, पता नहीं, जब से शादी हुआ है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हर वक्त नाराज क्यों रहता है। फिर सोचा नगीना भाभी से पूछते, आपको तो सारी बातें पता होती है ना। बिल्कुल ठीक जगह आई, सब पता मुझे। बताओ ना अच्छा भाभी, अब हम क्या करें? सबसे पहले तो तुम उसके आगे पीछे फिरना छोड़, उसका शादी से पहले एक चक्कर था, और जिनके चक्कर होते हैं ना वो कभी किसी एक के नहीं होते। सच्ची? तुम देखना, ये तुम्हें कभी लिफ्ट नहीं कराएगा, बल्कि बाहर की औरतों के ना आगे पीछे घूमेगा। नहीं। कोई जेब खर्च वगैरह देते हैं तुम्हें? नहीं। बस फिर सबसे पहले तो तुम जेब खर्च लगाओ, सीधी तरह नहीं देता तो तुम माँ बाप से कहो, अपना पैसा अपने हाथ में रखो। हाँ। और उसको मजबूर करो कि ऊपर की कमाई लेना शुरू करे। उससे क्या होगा? पागल, ऊपर की कमाईयां बीवियों के नाम पे रखी जाती है, बस एक दफा तुम्हारा हाथ उसकी कमाई पे जम गया ना तो बस समझो के उसकी गर्दन पे जम गया। ओलका, भाभी आप तो सही कहते हैं। ये तो हमेशा ठीक कहती हूँ, आइंदा भी अगर कोई मशवरा लेना हो सीधा मेरे पास आ जाना, ठीक है? हाँ, हमको तो अकल ही आ पाए, सही कहता है। ये बताओ खाना खाया तुमने? नहीं, हमको तो बड़ा भूख लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, क्या खाओगी, पिज्जा या बर्गर? हाय, सब कुछ मंगवा लो। चलो पिज्जा खिलाती हूँ। हाय, बड़ा अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो आयशा के ससुराल वालों ने जल्दी डाली थी इसलिए हमें तारीख तय करनी पड़ी। क्या नगीना ने बताया? क्या क्या बताया नगीना ने? हैं? ऐसी तो, अच्छा भाई अल्लाह पूछे मेरी बेटी के बारे में जो बातें करता है उसको मैं क्या कह सकती। चलो ठीक। इसी दिन का डर था मुझे, बड़े अफसोस की बात है, नगीना ने सारे खानदान में बातें भुला दी आयशा के बारे में। गुलाम तालिब, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, मेरी बहन की बेटी थी पर कम तो मेरी बहन की बेटी भी नहीं निकली है। शायस्ता, उसने क्या किया? यास्मीन को फोन किया था। हाँ, क्या कह रही थी? भगवान से क्या गिला करें कोई, जब अपने बेटे ही कमजोर हो तो ही बहुओं को ऐसी जरूरत होती है। हम तो बेटियां बना के लाए थे, पता नहीं उन्होंने क्या समझ लिया हमें। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने भी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, वरना पता नहीं इन सब ने मिलके उसका क्या हशर करना था बेचारी का। सही कह रहे, इन हालात में यही फैसला बेहतर था। सेलफोन देना यार। हाँ नहीं। इधर दे इसको, इधर दे, इधर चुपचाप खड़ा रहे साइड पे, इधर दे इधर। एक मिनट। क्या एक मिनट? दे इधर। नहीं दोगी? क्यों नहीं दोगी? मैंने कहा नहीं दोगी मैं। अब गोली तो गोली मार दूंगा। मार दो गोली।
दे दो नोट उसे। तुम चुप करो शुजा, मैं दूंगा। नहीं दे 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 दे, दम ना करा शैली ने इसमें। दबाओ, छोड़, चल। बोलते क्या तुमने वाकई दम करवाया था? तुम भी बिलीव करती हो ऐसी बातों में? अरे नहीं शुजा, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर जान लाखों रुपए चले गए, ये 500 रुपए के लिए तुम क्यों मरी जा रही थी? दे देना था ना। इसमें मेरी जिंदगी का हासिल है शुजा, एक खुददार इंसान की खुददारी का तोहफा है इसमें। जान लाखों रुपए चले गए, ये 500 रुपए के लिए तुम क्यों मरी जा रही थी? दे देना था ना। इसमें मेरी जिंदगी का हासिल है शुजा, एक खुददार इंसान की खुददारी का तोहफा है इसमें। फेज 6 में वारदात हुई है, 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। जिसने ये काम किया है वो मुझे मेरे सामने चाहिए। दे इधर। नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? मैंने कहा नहीं दूंगी मैं। अब बोली तो गोली मार दूंगा। मार दो गोली। नोट पे क्या तुमने वाकई दम करवाया था? तुम भी बिलीव करती हो ऐसी बातों में? अरे नहीं शुजा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जान लाखों रुपए चले गए, 500 रुपए के लिए तुम क्यों मरी जा रही थी? दे देना था ना। इसमें मेरी जिंदगी का हासिल है शुजा, एक खुददार इंसान की खुददारी का तोहफा है इसमें। सोच रहा था। वैसे कैसी बात है, मैं भी सोच रही थी। अरे सर, हम दोनों ही सोच रहे थे। तुम क्या सोच रही थी? बता नहीं सकती। हेलो, विकी, विकी मेरे पैसे वापस दे दो। विकी, मम्मा, विकी, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें और पैसे दे देती हूँ। विकी दो मुझे। मम्मा ये देखे क्या कर रहा है, इसे बोले मेरा 500 दे। ना, ना, मैंने, मैंने, मैं दवाई ले रही है इससे। ना, विकी, ये मुझे दो। पहले दूसरा वाला 500 दो, पहले दूसरा वाला 500 दो। मम्मी, इसे 500 दे। मैंने आज बिल जमा करा दिया, इतना ज्यादा आया था। विकी, अच्छा तुम ऐसे करो, तुम एटीएम दो, एटीएम। पागल हो गई हो? एटीएम दे रही है उसको, तुम्हें पता नहीं है उसका? मम्मा, अच्छा ये अंगूठी ले जाओ। तुम्हारा दिमाग सही है? कितनी मोहब्बत से किसी ने इतने महंगा तोहफा तुम्हें दिया है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसे 500 दो। ना, चले दो। मैं निकलवा के देती हूँ, दो इसे 500। मैं तुम्हें देती हूँ विक्की, मैं तुम्हें देती हूँ। चलो चलो अंदर चलो। ऐसा क्या है इस 500 में जो तुम अपना एटीएम कार्ड और इतनी महंगी रिंग दे रही थी, जो किसी ने इतने प्यार से तुम्हें दी? चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। या हाँ, याद है ये। ये क्या?
में से कौन था जो उसके सामने खड़ा था? बोल बोल। मैं था। हाथ तोड़ दो इस कमीने के। मुझे माफ कर दे। जैसे आज तक हमारी आंखों ने छूने की जरूरत नहीं की, उसे अपने हाथों से पकड़ रहा था। गलती हो गई। हाथ तोड़ दो इसके। मुझे माफ कर दे। दबा जा। माफ कर दे मुझे। जी बाबूजी।